अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान रात की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर। रात के पिछले पहर मुलाकात इसकी हुई है। ये थी जी मैडम आलिया नीलम। आज से पहले ये हमेशा सर ढकती थी, आज इसने दुनिया को पता दिखाना कि मैं लिबरल हो गई, लिबरल हो गई। चलो जी नंगे सर ही आ गई, भुगतेगी आप ही। फिर इसके जो आपको मैंने इसके ऊपर दो वीलॉग किए हुए हैं इसकी करेक्टर असैसिनेशन के ऊपर, लेकिन हमने ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं देनी आज। करेक्टर असैसिनेशन नहीं, उससे भी बड़ी चीज़ देनी है। ये हो कि ये वहाँ पे गवर्नर साहब ने हलफ लिया, तो हलफ लेने के बाद जनाब अली क्या हुआ, वो क्या हुआ कि मरियम नवाज शरीफ भी वहाँ पहुँच गई। सजियात ये बैठी थी मरियम, खब्बे हाथ इसको बटाया हुआ था, क्या प्रोटोकॉल है यहाँ पे। अच्छा जी, चीफ जस्टिस बड़ा होता है ये मरियम को भी बुला लेता है, लेकिन उन्होंने खब्बे हाथ रखा उसको, बस अन्नी वंडे कुत्ता चटे हो गए। तो फिर क्या बात हुई कि जब ये हलफ शलफ हो गए तो छोटी मोटी आपके और मेरे पैसों से चाय पीते हैं, जिसका कोई 2 लाख रुपया बेल आता है, यानी 30-40-50 बंदों का। हाँ जी, बस IT टाइप चीज़ें, कबाब भी होते हैं, निमको भी होती है और वगैरह वगैरह सब कुछ गवर्नर हाउस में होते। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि मरियम नवाज ने पहले सेटिंग की हुई थी, वो मलाया हो इधर आ कोकर तेरी ऐसी तैसी, इधर आ मुजतबा मियाँ साहब के साथ, छोटे मियाँ साहब के टेलीफोन मलवाया। इसको पता ही नहीं कि उसको भी डिवाइस लगी, उसने खुद लिख के अभी ऑर्डर किए 72 घंटे पहले कि ISI मेरे टेलीफोन टेप कर सकती है, सबकी आवाम के कर सकती है। तो वो कह रहे अच्छा जी क्या हाल चाल बेटा, ठीक ठाक हो ना, आपकी बड़ी मेहरबानी, पहले भी आप शफकत फरमाती रही हैं, उम्मीद है अंडा भी हम आपसे अच्छे का चाय की उम्मीद रखते हैं, मुबारक हो जी आपको भी, हो तो फलाना भी तो टमकाना भी। तो ये तो इसी ने भर्ती करवाया था, किया नवाज शरीफ ने, लेकिन इसने करवाया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पापा जानी भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो इसी वक्त ही कोई डेलीगेशन आ गया, तुहाड़ी भैन उत्थे चुकन आ गया, कोई डेलीगेशन बात आई गई होगी, चली गई, राजमार हो गया, 2-2.5 लाख रुपया लग गया, पता नहीं महंगाई भी डबल हो गई, वो जेड़ा 2 लाख में जो देखता था वो 4-5 लाख रुपया हो गया होएगा। जरदारी का बंदा जो गवर्नर में है, गवर्नर हाउस में है, अच्छा जी वो हमारा ही बंदा था, 25,000 रुपया में सरफराज चीमा करता था, कहते 25 तो उतने जिन्हें हुए ना प्रोटोकॉल अफसर तू पल्यो देगा। अच्छा जी, फिर क्या था, बेचारा भुगत रहा बाँह को बाल हुआ हुआ फालज। तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये एक हो गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ ये, जिस तरह ये सलूट मार मुर के गए, जज आए मुबारकबाद दी, मुबारक है जी मुबारक है, जो 30-32 हैं, वैसे 50 या 49 इस कोर्ट के जज हैं, बाकी शार्टेज है, अब भर्ती करेंगे धड़ाधड़। अच्छा जी, फिर क्या बात, कुछ टेक्निकल मजबूरियां भी होती हैं, जिस तरह ये चुतू 125 गुलजार ने कहा था बंदे भर्ती कर, नैब के जज तो इसने नहीं किए थे, क्योंकि बाजवे के उस टाइम मोडे के ऊपर चढ़ा हुआ था, झूठे ले रहा था बाजवे के। अच्छा जी, वो हेलो आए होने के बाद, अच्छा चलो जी नीवे होके चलो, पब्लिक डीक रही, मैं कि ज़रूरी काम कर लूँ, इधर स्टेनोग्राफर बुलाया, उन्हें सबसे पहला जो ऑर्डर किया ना वो एक गुलफशां का गुलबंदा गुलराना जो सेशन जज थी, जिसने PTI को तुन के रखा था, 10-10 दफ़ा FIR हुई थी, 10-10 दफ़ा उसने 10-10 15-15 दिनों के वो दिए हैं जी, ये जो रिमांड दिए हैं, और सनम जवेद के ऊपर खास कर वो रजिस्ट्रार लग गए। वो ये था कि यासर ब्रिगेडियर यासर बैठा हुआ था वहीं पर, जैसे ही जज निकले वो अंदर घुस गया, उससे पहले रात को भी मिला था, तो वो उसने अपना रजिस्ट्रार, जिनके मैं किससे सुनाता हूँ कि बड़े आराम से इकट्ठा कर लेते हैं, रजिस्ट्रार की बड़ी वैल्यू होती है, को ताहिर साबर, सरदार ताहिर साबर का जिक्र करता हूँ, ए भी नवी आ गई गुले राणा तेरी आओ ये आ गई, तो मैंने कहा तो 5 मिनट ही मंगावागा, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, अब आप इससे अंदाज़ा लग ले आगे क्या होएगा, बाकी डायरी में बताएंगे आपको, 5 मिनट में कहा था, लेकिन बदोबदी हो गया, बदोबदी अकेले बदोबदी, पाकिस्तान जिंदाबाद।